Rahim. Assalamu alaikum dear viewers. Welcome back. Today I'm going to teach you a very interesting modern essay, Bachelor's Dilemma by Herbert Gold. Herbert, H-E-R-B-E-R-T, Herbert G-O-L-D, Gold. तो इनके राइटर का नेम है. सो इट्स अ बेसिकली अ ह्यूमरस एसे इन विच राइटर ट्राइज टू टेल अस द रिएक्शन ऑफ अ सोसाइटी वैन दे वॉच अ बैचलर एंड प्रॉब्लम्स ऑफ अ बैचलर. सो बेसिकली इन दिस एसे वी आर गोइंग टू फाइंड आउट टू मेजर थिंग्स. दो चीज़ें ऐसी हैं, दो पॉइंट्स ऐसे मेजर हैं, अगर हमें कोई कहे कि ऐसे को हम डिवाइड करें तो हम इन दो पॉइंट्स में डिवाइड कर सकते हैं. पहला पॉइंट क्या है जी? रिएक्शंस ऑफ द सोसाइटी. ठीक है, आप तुम्हें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो डिक्टेट करवाने जा रही हूँ, तो आपके पास अपना रजिस्टर बॉल पॉइंट होना चाहिए. आपको बेसिकली एक पूरा ओवरव्यू सबसे पहले समरी की टाइप में मिलेगा. ठीक है, पॉइंट्स की फॉर्म में समरी आपको मिलेगी. फिर उसके बाद मेजर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है जी? रिएक्शन ऑफ द सोसाइटी. ठीक है, कि जब भी कोई इंसान सोसाइटी में किसी एक कुंवारे इंसान को देखता है तो वो क्या सोचता है. ठीक है, ये डिफरेंट रिएक्शंस हैं. सेकंडली, प्रॉब्लम ऑफ अ बैचलर. किस बैचलर के प्रॉब्लम्स कौन कौन से होते हैं, उसे मसाइल कौन कौन से फेस करते हैं. तो बेसिकली बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा, बड़ा ही फनी सा हमारे पास ये ऐसे है कि बिकॉज इट्स अ ह्यूमरस ऐसे एंड आई हैव टोल्ड यू मैनी टाइम कि ह्यूमरस ऐसे कौन सा होता है. ह्यूमरस ऐसे होता है जिसमें आप तंज मजाक की सूरत में राइटर हमें इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता है, उसमें हंसी भी आती है, उसमें एक तरह से सटायर भी किया जाता है. तो जी बड़ी ही एक बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग ऐसे हमारे पास. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो इन द फॉर्म ऑफ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आई एम गोइंग टू टेल यू समरी. ठीक है, अब मैं आपको समरी बताने जा रही हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के फॉर्म में. सबसे पहले क्या है जी? इन दिस एसे राइटर डिस्क्राइब्स अ कन्फर्म्ड बैचलर. कन्फर्म्ड बैचलर कौन सा होता है जो कि भाई यकीन होता है कि ये कन्फर्म्ड बैचलर है, इसकी अब शादी नहीं हुई ना इसका कोई इरादा है वजीद आगे शादी करने का. तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या हो गया? हमारे पास जो राइटर हैं हर्बर्ट गोल, वो ट्राई करते हैं इस बैचलर को बयान करने की. ठीक है, उसकी सिचुएशंस को बयान करने की. सेकंड पॉइंट है जी, बैचलर इज़ लाइक एन एक्रोबैट. बैचलर कैसा है? ही इज़ लाइक एन एक्रोबैट, ACROBAT. एक्रोबैट कौन होता है जो कि डिफरेंट करतब दिखाता है? एक्रोबैट हु मूव्स बिटवीन लव एंड मैरिज. ठीक है, उस इंसान की क्या सिचुएशन होती है? कभी वो प्यार की तरफ जाता है, कभी वो शादी की तरफ जाता है, अपनी दरमियान में लटका रहता है. तो उसको उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं कह सकते होती है, या फिर उसके अपने इतने ज़्यादा उसके अपने एक तरह से अपना दिल नहीं होता कि वो शादी करे. ठीक है, तो दरमियान में हैंग करता रहता है, लटकता रहता है. थर्ड पॉइंट क्या है जिस अमरीका? व्हेन ही गोज़ टू पार्टी, व्हाट इज़ द रिएक्शन ऑफ द पीपल प्रेजेंट इन द पार्टी. तीसरे पॉइंट में हमें क्या पता चलता है कि राइटर हर्बर्ट गोल में बताते हैं कि जब भी एक बैचलर पार्टी में जाता है तो वहाँ के लोगों का क्या रिएक्शन होता है. ठीक है, तो वहाँ के लोगों का क्या रिएक्शन होता है जी, ये हमें पता चलेगा. और वहाँ पे कौन कौन से लोग मौजूद हैं, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है समरी में, तो ये आपने ज़रूर देखना है. हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है जी. सबसे पहला पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट है, सबसे पहले कौन उसको देखता है. ठीक है, सबसे पहले उसको एक वाइफ देखती है, किसी और की वाइफ है. ठीक है, वो खुद तो बैचलर है तो उसकी शादी नहीं हुई, उसको किसी और की वाइफ देखती है. तो यहाँ पे राइटर हमें बताने की कोशिश कर रहा है, तो उसको एक वाइफ देखती है तो कैसे देखती है, किस नज़र से देखती है, और उसको देख के कैसा फील करती है. बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की है हमारे राइटर ने यहाँ पे. सो हाउ डज़ अ वाइफ सीज अ बैचलर. किस तरह एक कुंवारे को एक बीवी देखती है, किसी और की बीवी, एंड व्हाट डज शी थिंक, और वो क्या सोचती है. ठीक है, वो क्या सोचती है कि वो अक्सर क्या उसके ख्यालात होते हैं, ये हम आगे फर्दर क्वेश्चन में डिटेल में डिस्कस करेंगे. अभी सिर्फ मैं आपको समरी के पॉइंट्स बता रही हूँ. नेक्स्ट पॉइंट क्या है जी? एंड हाउ डज अ हस्बैंड थिंक्स अबाउट अ बैचलर. पहले हमने देखा कि एक बीवी जब बैचलर को देखती है तो क्या सोचती है, फिर हम देख रहे हैं कि जब एक हस्बैंड देखता है एक वाइफ को, एक बैचलर को, तो वो क्या सोचता है. डेफिनेटली वो एक तरह से जेलेसी होता होगा कि इसने शादी नहीं की, ये बड़ा फ्री पर्सन है, इस पे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है, मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है. इससे इतनी एक इंटरेस्टिंग सी बात याद आ गई कि एक बैचलर में और एक मैरिड मैन में क्या डिफरेंस होता है. तो जो एक मैंने कहीं से सुनी थी ये बात, बड़ी इंटरेस्टिंग सी, कि जो एक बैचलर होता है, कुंवारा इंसान होता है, तो जब वो रात को सोता है तो उसके तकिए के नीचे फूल और चॉकलेट्स और इस तरह की चीज़ें होती हैं, बड़ी प्लेजेंट सी. लेकिन जो एक आपके पास शादीशुदा इंसान होता है, उसके तकिए के नीचे दवाइयाँ होती हैं, ठीक है, मेडिसन्स होती हैं. और कौन सी मेडिसन? स्ट्रेस को दूर करने की. तो ये डिफरेंस
एक तरह से क्रिएट करने किया गया है, लेकिन ये भी एक तरह से बातें हैं, डिपेंड करता है, तो हम इनको सच नहीं मान सकते। नेक्स्ट चलें जी, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हाउ गर्ल्स सी, ठीक है, किस तरह लड़कियां उस बैचलर को देखती हैं, ठीक है, उनका क्या रिएक्शन होता है, जो सिंगल गर्ल्स होती हैं वो सिंगल बॉय को देख के कैसा फील करती हैं, क्या करती हैं, ये हम सारा डिटेल में क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। देन हाउ होस्ट सी, जब किसी पार्टी में जाता है बैचलर हमारे पास, तो किस तरह वहाँ का जो होस्ट है उस पार्टी को अरेंज करने के, एक तरह से जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं ना पार्टी को, तो वो उसको कैसे देखता है। हाँ जी, तो होस्ट उसको कैसे देखता है, डेफिनेटली वो यही सोचता है, हमारी फैमिलीज और बैकग्राउंड जो होता है डेफिनेटली कंजर्वेटिव थोड़ा सा होता है, सिंगल, जैसे आप कहते हैं ना कि हॉस्टल में या किसी को घर देना हो तो कोई भी ये प्रेफर यही करता है कि उसके साथ फैमिली हो, ठीक है, बीवी बच्चे हो, तो उसको बड़े आराम से सुकून से एक तरह से उसको दे दिया जाता है कि कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। लेकिन जैसे ही कोई सिंगल या बैचलर्स वहाँ पे आके रहने लग जाएं तो सोसाइटी को प्रॉब्लम होने लग जाता है। सिमिलरली जब ये बैचलर जाता है पार्टी में तो वहाँ का होस्ट को प्रॉब्लम होती है कि अकेला क्यों आया, इसके साथ इसकी फैमिली क्यों नहीं है, बस ये तो यहाँ पे मैंने इसको बुला के गलती की है और सिर्फ इस पर मैं अपना पैसा खाना ज़ाया कर रहा हूँ। तो देखिए बड़े इंटरेस्टिंग से ह्यूमरस वे में बताया गया, तो इसके अकॉर्डिंग, होस्ट के अकॉर्डिंग जी बैचलर की कोई रिस्पेक्ट नहीं है। आगे जी साइकेट्रिस्ट, अब एक साइकेट्रिस्ट, साइकेट्रिस्ट कौन होते हैं आपको पता है, जो कि साइकोलॉजी से लिंक्ड होते हैं और माइंड को रीड करते हैं, जो जो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं इंसान उसको सोल्यूशन प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। तो अब राइटर हर्बर्ट गोल हमें बता रहा है कि एक साइकेट्रिस्ट जब देखता है बैचलर को तो उसके क्या व्यूज़ होते हैं, ठीक है, वो क्या सोचता है। तो भाई उसके बड़े इंटरेस्टिंग व्यूज़ होते हैं, बिकॉज वो जब भी एक बैचलर को देखता है तो उसको लगता है एक मरीज़ है ना। इंटरेस्टिंग बात कि उसके अकॉर्डिंग एक बैचलर मरीज़ है, बिकॉज वो शादी नहीं कर रहा, वो क्यों शादी नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये किसकी व्यूज़ है, एक साइकाइट्रिस्ट की व्यूज़ है। नेक्स्ट जी आपके पास पॉइंट है कि जब एक बैचलर को एक दूसरा बैचलर देखता है तो वो क्या फील करता है, वो क्या देखता है। तो आप डेफिनेटली गेस कर सकते होंगे कि एक बैचलर को जब कोई दूसरा बैचलर देखे तो डेफिनेटली जेलस फील करेगा, वो यही कहेगा कि कहीं जो मेरी गर्लफ्रेंड है या जिससे मेरा रिलेशनशिप है, कहीं वो इससे शादी ना कर ले या उसको इम्प्रेस ना कर दे। तो ये हर किसी के जी एक तरह से ये ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें आपकी समरी भी आ रही है और रिएक्शन सबसे पहले हमने देखा, और फिर हम उसके देख रहे हैं कि लोग उसको किस तरह देखते हैं एक बैचलर को, फिर हमने ये देखा एक दूसरा बैचलर उसको कैसे देखता है, सबसे पहले हमने देखा एक बीवी कैसे देखती है, फिर हमने देखा एक हस्बैंड कैसे देखता है, फिर हमने देखा एक दूसरी गर्ल्स उसको कैसे देखती हैं, फिर हमने होस्ट के बारे में देखा कि पार्टी का जो होस्ट होता है वो उसको कैसे देखता है, फिर हमने देखा कि एक साइकेट्रिस्ट एक बैचलर को किस तरह देखता है, फिर हमने देखा एक अदर बैचलर उसको कैसे देखता है। देन हम अब ये देख रहे हैं कि वो खुद को कैसे देखता है ना। इंटरेस्टिंग बात कि वो खुद के बारे में क्या सोचता है, सो ही थिंक हिमसेल्फ एज द फ्रीएस्ट मैन, वो खुद को ऐसा सोचता है जैसे वो बहुत आज़ाद इंसान है, बिकॉज उसके पास ही इज़ हैविंग अ लॉट ऑफ मनी, उसके पास ढेर सारे पैसे हैं फॉर एडवेंचर्स, एडवेंचर करने के लिए, ठीक है, वो अपनी विशेस पूरी कर सकता है, ये उसके अपने व्यूज़ हैं। इसके बाद सेकेंड हाफ ऑफ द ऐसे में वो अपनी, राइटर हमें बैचलर्स के प्रॉब्लम बताता है, ठीक है, प्रॉब्लम कैसे बताता है कि उसको कौन कौन से मसाइल पेश होते हैं। पहले पार्ट में अभी आपको समझ आ रही होगी, पहले पार्ट में हमने क्या देखा कि पहले पार्ट में सारे के सारे हमने रिएक्शंस देखे कि लोग जब उसको देखते हैं तो क्या कहते हैं, दूसरे पार्ट में हमने सारे के सारे प्रॉब्लम्स देखने, ठीक है, और इस पे हमारा पूरा लॉन्ग क्वेश्चन है, इंशाल्लाह आगे हम उसको डिस्कस करते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चंस की तरफ, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट डू डिफरेंट पीपल थिंक अबाउट अ बैचलर। अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको पॉइंट्स लिखवाए उन सब के आंसर्स हमें इस क्वेश्चन में मिलेंगे, तो ध्यान से सुने। फर्स्ट ऑफ ऑल द बैचलर इज़ अ मैन हु डज नॉट टेक अ डिसीजन, एक बैचलर एक ऐसा इंसान है जो फैसला नहीं करता इन हिज लाइफ एंड स्टिक टू दिस हिज कंडीशन ऑफ स्टेटस को, और इस स्टेटस पे रहता है कि वो हमेशा सिंगल रहेगा, और स्टिक करता है इस बात पे, जमा रहता है कि हमेशा सिंगल रहेगा, शादी नहीं करेगा। द बैचलर इज़ नॉट अ कॉमन मैन, वो एक आम इंसान नहीं है, बिकॉज हमारे जहन में यही पर्सपेक्टिव है ना कि आम इंसान पैदा हुआ, तालीम हासिल की, करियर बनाया, शादी कर रहे हैं, आगे फर्दर फैमिली बढ़ानी है, दैट्स इट, ठीक है। लेकिन बैचलर एक कॉमन मैन नहीं है, उसके फ्यूज कॉमन मैन की तरह नहीं है, ही गोज़ अगेंस्ट द ट्रेडिशंस, वो रवायात के अगेंस्ट
जाता है एंड सेट वेज ऑफ लाइफ इन अ सोसाइटी, और अपने ज़िंदगी के तरीके खुद ही एडजस्ट करता है, सोसाइटी में सेट करता है। ही अवॉइड्स द ट्रैप ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रिलेशंस, वो अपने ऊपर जो एक तरह से जाल आते हैं उसके ऊपर किस चीज़ के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के, जिम्मेदारियों के एंड रिलेशंस और किसके रिश्तों के, ठीक है, उससे अवॉइड करता है, वो आज़ाद रहना चाहता है। एवरी मेम्बर ऑफ सोसाइटी होल्ड्स डिफरेंट एटीट्यूड एंड ओपिनियन टुवर्ड्स हिम। अब देखें, इंपॉर्टेंट बात फर्दर स्टार्ट हो रही है। पहले पैराग्राफ में अपने बैचलर को इंट्रोड्यूस करवाना है, सारा कुछ बताना है, कैसा है, कैसे वो रिलेशनशिप्स को अवॉइड करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अवॉइड करता है। अब हम देख रहे हैं कि एवरी मेम्बर ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी का हर मेम्बर किस तरह उसको लेता है, उसके उसके लिए उसके व्यूज़ कैसे हैं, ठीक है। सबसे पहले किसकी बात हो रही है, अ वाइफ की, एक बीवी की। अ वाइफ आइडियलाइजेज हिम, वाइफ क्या करती है, उसको आइडियलाइज करती है। ये वाइफ की बात हो गई, वाइफ उसको आइडियलाइज करती है एज अ चैलेंज, एक चैलेंज की तरह। शी थिंक्स दैट ही इज़ अ रोमांटिक चार्मिंग एंड अ ड्रीम लाइक मैन। उसकी शादी हो चुकी है, शायद उसका हस्बैंड अच्छा ना हो, तो वो किसी दूसरे इंसान को, एक बैचलर को कैसे कंसीडर करती है कि बहुत अच्छा है, चार्मिंग है, और जैसे खाबों का शहजादा होता है उस टाइप का। सो अनलाइक हर हस्बैंड, जो कि उसके हस्बैंड की तरह नहीं है, ही इज़ एन आइडली परफेक्ट मैन, वो बिल्कुल एक परफेक्ट मैन की तरह, बिल्कुल एक तरह से इमेजिनेशन हो गई उसकी ना, ठीक है। तो शी हैज़ सिंपथी विद हिम, उसको उसके साथ हमदर्दी है, ठीक है, शायद उसको उसके अपने हस्बैंड के साथ हमदर्दी ना हो, लेकिन उसको उस बैचलर के साथ हमदर्दी है, जो कि अच्छी बात नहीं है। एंड थिंक्स ऑफ गेटिंग अ गर्ल फॉर हिम, और चाहती है कि भाई इस बेचारे की शादी हो जाए। बट वेन ही गेट्स क्लोज टू हर, लेकिन जब वो उसके पास आती है, शी ट्राइज टू ट्रैप हिम इन अ इन्वाइटिंग मैनर, तो वो उससे क्या है, उसको ट्रैप करने की कोशिश करती है, उसको अपने पास बुलाने की कोशिश करती है, जो कि एक अच्छा एटीट्यूड नहीं दिखाया गया वाइफ्स का, ठीक है। नेक्स्ट, अब रिएक्शन हमारे पास है हस्बैंड का, किसका है जी, अब हस्बैंड उसको क्या देखता है, क्या उसके बारे में सोचता है। हस्बैंड बेसिकली, हस्बैंड समटाइम ग्लांसेस एट हिम विद एनवे, एनवे क्या होता है, हसद करना, जेलसी, बिकॉज ही इज़ अ फ्री मैन, क्योंकि वो क्या है जी, एक फ्री मैन है, आज़ाद मैन है, ही हु हैज़ नॉट बीन ट्रैप्ड इन द नेट ऑफ प्रोमिसज एंड डिज़ायर्स ऑफ फैमिली, जिसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिसने कोई प्रोमिसज पूरे नहीं करने, जिसने कोई डिज़ायर्स फैमिली की पूरी नहीं करनी, तो हस्बैंड उसको कैसे देखता है। समटाइम ही पाइट्स हिम एज अ मैन हु इज़ अलोन एंड इज़ ड्राइव्ड ऑफ द कंजुगल ब्लिस जॉय ऑफ चिल्ड्रन एंड द होमली प्लेजर ऑफ हाँ, तो वो क्या कह रहा है, सम टाइम पहले तो उस पर हसद करता है, लेकिन दूसरी तरफ उस पर क्या करता है, एक तरफ से उसको उस पर तरस भी खाता है कि बेचारा उसके पास कोई ब्लिस नहीं है, कोई उसके पास जॉय नहीं है, बच्चों की खुशियाँ नहीं है, होम की अपने एक तरह से अपनी जो एक फैमिली होती है उसकी खुशी नहीं है। तो जिन मोस्टली तो बीए एडीपी के स्टूडेंट्स का ये लॉन्ग क्वेश्चन ही आता है, पर जिन बच्चों का शॉर्ट क्वेश्चन में भी सिलेबस में डिफरेंट होता है ना सिलेबस, तो उनके लिए बहुत ही ईजी रहेगा कि अलग अलग रिएक्शंस पे बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ से आप शॉर्ट क्वेश्चन भी प्रिपेयर कर सकते हैं, और लॉन्ग में तो डेफिनेटली ही आएगा ही। अब जी आगे रिएक्शन किसका हमारे पास आ रहा है, अब रिएक्शन आ रहा है हमारे पास एक गर्ल का, किसका, एक गर्ल का। एक लड़की जब उसको देखती है तो वो कैसा फील करती है, तो अ गर्ल हैज़ मिक्स्ड फीलिंग अबाउट हिम। एक लड़की जब कुंवारी लड़की उसको देखती है तो उसकी फीलिंग्स कैसी हैं जी, मिक्स्ड है। कैसे मिक्स्ड है, सम टाइम शी इज अप्रिहेंसिव एंड थिंक्स अबाउट द डिसीजेस एंड डिसेबिलिटीज मेंशन इन द संडे सप्लीमेंट्स एंड मैगजीन। तो सम टाइम उसको क्या है, तो क्या है जी, समटाइम ये होता है कि उसने बहुत सी जगह से, हो सकता है लड़की एक गर्ल ने पढ़ा हो तो शायद उसमें कोई डिसेबिलिटीज़ हैं, कोई इसके अंदर प्रॉब्लम्स हैं, कोई दैट्स वाई ये क्या है जी, शादी नहीं कर रहा, ये इसको डर है, इसको फियर्स हैं, जो कि मैगजीन में काफ़ी जगहों पर उसने पढ़ा होगा, तो वो फियर्स भी हैं। बट मोस्टली शी ट्राइज टू ट्रैप हिम, लेकिन मोस्टली उसकी कोशिश होती है कि उसको ट्रैप करे, उसको एक तरह से फंसाने की कोशिश करती है, ठीक है। इट्स नॉट अ गुड वर्ड बट इस पर मतलब इसका यही बनता है। तो शी निट्स अ स्नेयर विद हर ब्यूटीफुल लुक, वो उसको क्या करती है, एक तरह से अट्रैक्ट करने की अपनी तरफ कोशिश करती है अपनी खूबसूरती से, एंड प्रोमिसज ऑफ होम कुकिंग,
और एक तरह से प्रॉमिस करने की कोशिश करती है कि चलो मैं घर का खाना बना के खिलाऊंगी तो शायद उससे शादी कर ले। इवन शी नोज़ दैट शी हैज़ रन थ्रू अ डजन लाइक हर। इवन वो लड़की जानती है कि उसने उस तरह की 10-12 लड़कियों से इस तरह के अफेयर रखे होंगे, बट आई एम डिफरेंट। लेकिन फिर वो दिमाग में सोचती है कि नहीं भाई मैं थोड़ी डिफरेंट हूँ। शी डिसाइड्स ब्रेवली, वो बड़ी ही करीजियसली ब्रेवरी के साथ इस चीज़ को डिसाइड करती है कि नहीं मैं डिफरेंट हूँ। तो एक तरह से उसके अंदर जब वो बैचलर को देखती है तो उसके अंदर होप क्रिएट होती है। देन जी फॉर द होस्ट होटेस ही इज़ एन, यहाँ पे होस्ट आएगा ठीक है, होस्ट या होस्टेस, ही इज़ एन एक्स्ट्रा मैन ठीक है। होस्ट जो है या होस्टेस है जो भी है उसके लिए एक एक्स्ट्रा मैन है, एक फालतू सा इंसान है जो अपनी फैमिली के बगैर वहाँ पे आया हुआ है, और अ पार्टनर टू डांस विद या फिर ऐसा है जिसके साथ वो डांस कर सकती है ठीक है। मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, जो भी पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहा है ये उसकी बात हो रही है। द डिनर टेबल टेक्स हिम टू बी अ गॉबलिंग माउथ ठीक है। क्या है जी, एक ऐसा इंसान जो सिर्फ खबर भर के मुँह भर भर के खाना खा रहा है, उसका कोई मतलब और इससे ज़्यादा कोई बेनिफिट नहीं है। तो द साइकाइट्रिस्ट सीज अ पेशेंट, जैसे मैंने आपको बताया कि साइकाइट्रिस्ट उसको एज अ पेशेंट देखता है। अनदर बैचलर टेक्स हिम एज अ फ्रेंड हु हैज़ एन इनकम्प्लीट लाइफ विद वन बटन ऑलवेज मिसिंग फ्रॉम हिज शर्ट। अब देख रहे हो आपने अक्सर ड्रामा में भी सीन देखा होगा, अक्सर मेल्स के बटन अगर ना हो तो उसकी उनकी वाइफ उनको मीन उस बटन को एडजस्ट कर देती है। लेकिन यहाँ पे यही चीज़ बताई जा रही है कि जो बैचलर्स होते हैं उनके पास वाइफ्स ही नहीं होती कि बेचारों के बटन जो हैं वो हों शर्ट पे। ही बोर्स हिम विद कंप्लेंट्स बट फाइनली रन्स अवे विद हिम कल विद हिज गर्लफ्रेंड ठीक है। उसको क्या है, उसको कंप्लेंट्स होती है, उसको ये भी डर होता है कि कहीं एंड पे ये ना हो कि वो मेरी ही गर्लफ्रेंड के साथ भाग जाए। सो जी दैट्स अ वेरी ह्यूमरस ऐसे जिसमें आपको डिफरेंट पॉइंट्स मिलते सुनने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, बैचलर हैज़ टू मैनी आइडेंटिटीज़, उसकी बहुत सारी शनाख्त होती हैं। क्यों जी, बिकॉज ही हैज़ नो सर्टन आइडेंटिटी, बिकॉज उसकी कोई यकीनी आइडेंटिटी या शनाख्त नहीं होती। इज़ लाइक अ लिक्विड, अब देखो ना लिक्विड ऐसा होता है जो किसी भी शेप में ढल जाता है, तो दैट्स वाई इसको कहा गया। दैट कैन सेट इन एनी टाइप ऑफ थॉट फॉर ओपिनियन अकॉर्डिंग टू नीड्स ऑफ दैट थिंकर, जो कि थिंकर उसके अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग थॉट कर लेता है, उसके बारे में एक थॉट्स रख लेता है ठीक है। तो ये डिपेंड करता है सोचने वाले पे कि उसको कैसे लेता है, बिकॉज उसकी अपनी कोई आइडेंटिटी है ही नहीं। एक तरह से यही कहा जाने की कोशिश की जा रही है कि जो बैचलर है उसकी अपनी, कहते हैं ना कि उसको जब जहाँ टाइम मिला वहाँ पे, जब जो टाइम मिला खाना खा लिया, जब जहाँ पे नींद आ गई किसी फ्रेंड की तरफ सो लिया, ये सारा कुछ भी उसकी अपनी स्पेसिफिक कोई रूटीन नहीं होती, बिकॉज उसकी वाइफ नहीं होती या उसके बच्चे घर पर एक प्रॉपर फैमिली नहीं होती। तो इस नोट पर आपने इस क्वेश्चन को एंड कर देना। तो आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले मैं आपने सारी रिएक्शंस के बारे में देखा ठीक है, अब हम देख रहे हैं प्रॉब्लम्स। इन दो क्वेश्चंस को आपने बहुत अच्छे से कर लिया तो आपका ये बहुत ही आसान सा आपके लिए हो जाएगा, और इंशाल्लाह पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इजी रहेगा। डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ बैचलर, अब क्या है जी, अब कुछ मसाइल पेश आते हैं, वो मसाइल भी बहुत ही फनी है एक तरह से कि उसको कौन कौन से मसले हैं ठीक है। तो ये हम देखते हैं मसाइल को। हाँ जी, प्रॉब्लम्स में आज डिस्कस द प्रॉब्लम्स ऑफ अ बैचलर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम स्टार्ट से देखते हैं और इसमें कुछ मसाइल को डिस्कस करेंगे। अ पर्सन हु डज नॉट गेट मैरिड इज कॉल्ड अ बैचलर, पहले पूरे पैराग्राफ में आपको बैचलर के डिस्क्रिप्शन के बारे में पता चलेगा कि कौन होता है और किस तरह अपनी प्रॉब्लम से दूर भागने की कोशिश करता है। तो पर्सन हु डज नॉट गेट मैरिज इज कॉल्ड अ बैचलर, मैरिज इज अ फाइन सोशल इंस्टीट्यूशन दैट मेक्स अ फैमिली, डेफिनेटली फैमिली बनती है आपकी और फैमिली के साथ ही आपको खुशियाँ भी मिलती हैं। सो फैमिली इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी, एक सोसाइटी डिफरेंट फैमिली से मिलके बनती है ना, तो इस वजह से सोसाइटी का पार्ट रहने के लिए इसके रूल्स को भी फॉलो करना पड़ता है। इट मेक द सोसाइटी सेप्टल एंड प्रोडक्टिव, फैमिली प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन एंड मॉरल सपोर्ट, डेफिनेटली फैमिली के साथ आपको तहफ़ भी मिलता है और मॉरल सपोर्ट भी, कोई मसला आ जाए, परेशानी आ जाए, दुख तकलीफ हो जाए, सारे मिलजुल के अगर बांट ले तो वो तकलीफ कम हो जाती है। आई होप यू गाइस एग्री विद मी। तो यही चीज़ें यहाँ पे राइटर बताने की कोशिश कर रहा है। तो फैमिली प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन, इट हेल्प अस टू लिव टुगेदर विद अ फाइन गिव एंड टेक,
कि आपको गिव एंड टेक के साथ चलना पड़ता है और इस तरह ज़िंदगी इजी रहती है। द मैन हु रिफ्यूज़ेस, जो इंसान रिफ्यूज़ करता है टू बिकम अ फैमिली मैन, एक फैमिली मैन बनने से, और अ मैरिड मैन, एक शादीशुदा इंसान बनने से, इज डिप्राइव्ड ऑफ दीज एडवांटेजेस, वो इन मसलों से, इन परेशानियों से, सॉरी इन एडवांटेजेस से महरूम रह जाता है, इन बेनिफिट्स से महरूम रह जाता है। दो द फैमिली लाइफ हैज़ सम डिमांड्स, क्योंकि फैमिली लाइफ के अगरचे कुछ डिमांड्स भी आती हैं एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और कुछ जिम्मेदारियाँ भी होती हैं, बट दीज आर मच लेस देन दैट एडवांटेजेस ऑफ अस इट। मतलब यह है कि इन फवायद ज़्यादा हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम हैं, तो ये बताने की कोशिश की जा रही है। अब जी प्रॉब्लम्स के आगे जिक्र होगा। बैचलर फेसेस मैनी प्रॉब्लम्स, ठीक है, एक बैचलर को बहुत से प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। द फॉरमोस्ट एंड बेसिक प्रॉब्लम इज हिज इन लोनलीनेस। पहला क्या है जी आपके पास, उसकी जो प्रॉब्लम है वो क्या है, लोनलीनेस है। ही हैज़ टू स्पेंड हिज लाइफ अलोन, उसको अपनी ज़िंदगी अकेले गुजारना पड़ती है। ही इज़ अलोन इन हिज जॉयज, हिज प्रोग्रेस, हिज सॉरोस, हिज इलनेस, इन हिज फेलियर, इन हिज लाइफ, चाहे खुशी है, गम है, कोई भी मसला है, कोई परेशानी है, कुछ भी अच्छा भी है, तो उसको अपनी ज़िंदगी में क्या करना पड़ता है, उसको अपनी ज़िंदगी में ऐसे ही ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी कि अकेले। ही इज़ अलोन इन ऑल रिस्पेक्ट, हर लिहाज से वो क्या है जी, तनहा है। पीपल ट्राई टू यूज़ हिम इन देयर ओन फेवर, लोग क्या कोशिश करते हैं कि उसको उसको अपनी ही फेवर में यूज़ करें, अपने कामों के लिए। नो बडी केयर्स फॉर हिम, कोई भी उसकी ख्याल उसका ख्याल नहीं करता है। ही डज़ फॉर नो बडी, और वो भी किसी दूसरे की इस तरह ख्याल नहीं करता। सो देन देर आर डिजीज़, अब किसकी बात हो रही है जी, अब बात हो रही है डिजीज़ की, कि उसको बहुत से प्रॉब्लम भी फेस करने पड़ते हैं, बहुत बीमारियां हैं। दैट बिकम हिज क्रॉनिक पार्टनर, जो कि उसका पार्टनर बन जाते हैं। ऑलमोस्ट एवरी बैचलर सफ़र फ्रॉम सेम ये है मेलाइज, MALAISED नहीं है यहाँ पे, इसका मतलब है बीमारी। बीमारी ऐसी होती है इन विच जिसमें जनरल फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट आती है, ठीक है, आपको अच्छा फील नहीं होता, डिस्कम्फर्ट फील होता है, इलनेस फील होती है। तो सम ऑफ देम आर साइकोलॉजिकल, कुछ आप जो कुछ बीमारियां हैं जो साइकोलॉजिकल बीमारियां हैं, बीमार ब्रेन से रिलेटेड हैं, एंग्जाइटी, फ्रस्ट्रेशन, एंड सम आर फिजिकल, कुछ जिस्मानी बीमारियां हैं, मोस्टली रिलेटेड टू हिज स्टमक, मोस्टली उसके क्या है, स्टमक से रिलेटेड होती हैं। देन डिड द बैचलर सफ़र फ्रॉम स्टमक डिसीज, स्टमक डिसीज जो है वो भी बहुत ही क्या है होती है, इसमें कॉमन होती है, बिकॉज रीज़न क्या होती है, लाइक अल्सर, क्योंकि वो खाना नहीं टाइम पे खाता, वो ज़्यादातर होटल्स के खाने पे, रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाता है, पार्टीज में जाता है, तो वो क्या है रेगुलर टाइम पे नहीं खाता और उल्टा सीधा खाता रहता है। सो इट इज़ बिकॉज ही हैज़ टू ईट इन अ डिसऑर्गेनाइज्ड वे, ही हैज़ नो टाइमिंग्स एंड प्रॉपर अरेंजमेंट फॉर मील्स, टू मच रेस्टोरेंट फूड स्पॉइल्स हिज हेल्थ, मैं ये आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। सो ज़्यादा जितना खाना खाता है रेस्टोरेंट में, उसकी उसकी सेहत ख़राब हो जाती है। देन कम्स अ प्रॉब्लम ऑफ सेक्स, नो डाउट अ बैचलर ऑलवेज रिमेन इनग्रोस्ड इन द प्रॉब्लम रिलेटेड टू सेक्स, उसको जो एक नेचुरल इंस्टिंक्ट्स होती हैं इंसान को, उस पर इसको प्रॉब्लम होती है, बिकॉज वो मैरिड नहीं होता तो जो रिलेशनशिप्स होते हैं हस्बैंड वाइफ के, उस पर भी इसको महरूमी रहती है एक तरह से। द लैक ऑफ सेक्स लाइफ मेक हिम स्लगिश एंड डिप्राइव्ड ऑफ द अर्ज टू लिव, उसके अंदर एक तरह से एक चार्म, ये ख्वाहिश जिंदा रहने की और खुश रहने की ख़त्म हो जाती है। द बोर्डम ऑलवेज सराउंड्स अ बैचलर एग्जिस्टेंट, देन जी हमारे पास नेक्स्ट क्या प्रॉब्लम है जी, बोर्डम का, बोरियत रहती है उस पर। तो नथिंग गिव्स हिम द ट्रू हैप्पीनेस एंड जॉय, कुछ भी उसको खुशी नहीं दे सकता। ही गेट्स फेड अप विद द सेम स्टेल रूटीन ऑफ लाइफ, वो जो रूटीन रोज़ाना उसकी ज़िंदगी में गुजरती है उससे क्या है जी, वो हमेशा उससे परेशान रहता है। एंड डल फेस इन द बाथरूम मिरर, और हमेशा अपना ही चेहरा बाथरूम में देख देख के वो क्या है जी, परेशान हो जाता है। लास्ट पैराग्राफ है, इन वट एवर यू वे यू काउंट, अ बैचलर ऑलवेज हैज़ अ शॉर्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अब सबसे जो अगेन हमारे पास एक मसला आ गया लाइफ एक्सपेक्टेंसी का, जब एक इंसान खाना नहीं रेगुलरली खाएगा, अपना ख्याल नहीं रखेगा, नींद टाइम पर नहीं लेगा, तो खतरा होगा ना कि वो ज़्यादा बीमार रहेगा, और इससे ज़्यादा बीमारी में उसकी
डेथ भी हो सकती है, तो इसलिए ये एक प्रॉब्लम है, मसला है. ही डाइज यंग बिकॉज ऑफ ऑल दिस प्रॉब्लम इन विच ही कैन नॉट फाइंड एनी शोल्डर टू हेल्प और सपोर्ट हिम. और बेचारे को कोई शोल्डर या कोई आसरा भी नहीं मिलता कि उसको सपोर्ट कर सके, उसकी बीमारी में उसका ख्याल रख सके ताकि वो जिंदा बच जाए. तो बैचलर लिव्स अ मिजरेबल एंड लोनली लाइफ. एंड पे आप इससे कंक्लूड करेंगे कि बैचलर जो है वो मिजरेबल और लोनली लाइफ स्पेंड करता है. नेक्स्ट जी कंक्लूजन के लिए आपका लास्ट पेज है, इस पे भी बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं. तो ऐसे गिव्स एन एम्पल डिस्कशन ऑन द लाइफ. हमें एक डिस्कशन मिलती है, एक बहुत ही अच्छी कंप्रिहेंसिव डिस्कशन लाइफ वेज बिहेवियर एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ अ बैचलर. आफ्टर एन एग्जॉस्टिव डिस्कशन ही कंक्लूड्स दैट अ पर्सन शुड गेट मैरिड. वो क्या है, जितनी डिस्कशन के बाद राइटर क्या कंक्लूड करता है कि एक इंसान को शादी कर लेनी चाहिए. बिकॉज इट इज़ अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ नेचर. कुदरत ने जो कानून बनाए होते हैं उनको कोई भी निगेट नहीं कर सकता. तो दैट्स वाई शादी कर लेनी चाहिए बैचलर को. नेचर टेंड्स टू डिस्ट्रॉय एवरी थिंग दैट गोज अगेंस्ट इट्स फ्लो. कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप हाईलाइट करके भी क्वेश्चन के आंसर में लिख सकते हैं कि जब भी कुदरत के कानून लाभ कुछ करने की कोशिश की जाती है तो कुदरत उसको एक तरह से डिस्ट्रॉय कर देती है. सो द बैचलर्स अवॉइडेंस फ्राम दिस डिमांड ऑफ नेचर, कि जब अवॉइड करता है नेचर की इस डिमांड से कि शादी कर लेनी चाहिए, लीड्स हिम टू अ मीनिंगलेस बोरिंग एंड डायरेक्शनलेस लाइफ. एक बेतरतीब बोरिंग बेमकसद ज़िंदगी उसके लिए नेचर बना देती है उसकी ज़िंदगी को. ही इज़ रूटलेस. उसकी ना कोई मतलब आबाव एक तरह से जैसे होता है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी की डेथ हो जाती है तो उसके कोई सन या डॉक्टर हो तो कहते हैं कि चलो अपने बेटे का नाम रोशन करेगा या उसके लिए सदका जारिया बनेगा, तो ये चीज़ भी नहीं होती. फ्लोट लाइक अ घोस्ट शिप ऑन द ओशन ऑफ लाइफ. तो बेचारा ऐसा है जैसे कोई ब्रू तैरती रहती है ज़िंदगी के समंदर में अकेली. अलोन एंड अलोन ही लोनलीनेस इकोस एंड सराउंड हिज होल एग्जिस्टेंस. उसकी जो तन्हाई होती है उसकी ज़िंदगी में गूंजती रहती है. So the writer's objective in presenting the hopeless condition of a bachelor is to stress the need of love, companionship and relation in life. तो उस राइटर क्या है, सारी जो मकसद है इस एक बैचलर की बेमकसद बैचलर की होपलेस कंडीशन बयान करने का मकसद ये है कि ज़रूरत होती है, नीड होती है लव की, कंपेनियनशिप की और रिश्तों की ज़िंदगी में. वन कैन नॉट लिव अलोन, सो वन शुड नॉट ट्राई टू लिव अलोन. एक इंसान कोई भी अकेला नहीं रह सकता, तो उसको कोशिश भी नहीं करनी चाहिए अकेले रहने की. आपने सुना होगा मैन इज़ अ सोशल एनिमल, उसको इंटरेक्ट करना पड़ता है सोसाइटी के साथ, वो अकेला सर्वाइव नहीं कर सकता. तो यही आपका कंक्लूजन है, यही आपका मॉरल लेसन भी हो सकता है. सो आई होप स्टूडेंट्स इट्स क्लियर. इफ देयर इज एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी फ्रीली. टिल देन रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स. Be happy, be successful, be satisfied. Do subscribe and share with your friends. Like and comment. Thank you so much for your time and stay blessed. Allah Hafiz.